ये शेरी है ना, हाँ ये हाँ पुराने जमाने का, ये महाराज का वक्त है। हाँ हाँ ये दो इंच है बस। 1.5 बाय 2 इंच है ये। हाँ पतली है लेकिन बहुत ये तकड़ी पक्का है। है, ये पक्का है, पुराना है। पतली है मगर तकड़ी हाँ है ना। हाँ चूना, हाँ रेत, हाँ सुर्की, हाँ कितना गया? वो तीन। हो गया तीन। हाँ आज रेत सीमट हाँ तो लगा दो। अच्छा, यानी कितना साल पुराना है ये अंकल जी? ये कम से कम 400 साल पुराना है। 400 साल पुराना ये। हाँ, हाँ, पहले यहाँ रोड था, वो 35 साल पहले उठाया, 35 साल पहले। 35 साल पहले। अच्छा, और अभी यहाँ पे आप लोगों का ये इतना ये मजबूत है अभी भी है ना? ये मजबूत है, ये पुराना है ना, पुराना का काम अच्छा है। लेकिन साइनस तो आजकल बहुत आगे चला है, तो फिर भी काम कमजोर क्यों होता है? पता नहीं वो काम, क्योंकि वो जो नवा नवा तालीम आए ना, हाँ वो इसलिए कमजोर होता है। अच्छा, ज्यादा जमा खर्च कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये बताओ मुझे अंकल जी, ये जो बीज जहाँ पे भी हम हैं नीचे से खोखला है। पुराना जमाने में मसाला बनाया, हाँ चूना, हाँ सुर्की, हाँ रेत, हाँ ये तीन मसाला। हाँ आज एक दो तीन मसाला। चूना, हाँ रेत, हाँ सुर्की, कितना हाँ गया? वो तीन। हो गया तीन। हाँ आज रेत सीमट हाँ तो लगा दो। अच्छा, कि आपके हिसाब से चूना और सुर्खी अच्छा रहता था? वो पुराना था, अच्छा है। देखो ना, ये ईंट है ना, ईंट, हाँ, ये देखो ना, ये कितना मजबूत है, ये कितना मजबूत, नहीं है मजबूत, बहुत मजबूत है ये। ये ईंट है ना, ये ईंट, ये हाँ। महाराजे का वक्त है, अच्छा, महाराजे के वक्त का ये ईंट है? ये ईंट है। हाँ, ये ईंट महाराजे आज का। आज ये मिल सकता है? आज 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 के तो लोग वो बना तीन सकते हैं? ईंट मोटा है, हाँ जो वो ये आता, ये शेरी है ना, हाँ ये हाँ पुराने जमाने का, ये महाराज का वक्त है। हाँ हाँ ये 2.5 इंच है बस। 1.5 बाय 2 इंच है ये। हाँ, पतली है लेकिन बहुत ये पक्का तकड़ी है, है। ये पक्का है, पुराना है। बहुत पतली है मगर तकड़ी है ना। हाँ, अच्छा, तो पहले पहला कौन सा? दो झील आपने जो कहा, दो झील था, तो कौन सा झील था? ये गेट से अंदर है मुगल झील। हाँ, इस गेट के इस पार। हाँ, हाँ, यानी कि गेट ये जो से गेट बाहर, है इस पार ये था मुगल झील। गेट से बाहर है हजरतबल बड़ा डल झील। अच्छा, इस साइड था बड़ा लाल झील। हाँ, बड़ा डल झील, वो सामने वो हजरतबल है। हाँ, वो हजरतबल है वहाँ पे, हाँ, वो वो उनको अकबर, नजर आता होगा, ये हजरतबल है। हाँ वो अकबर का किला है। हाँ, अब वो अकबर का किला है वो। वो लंबे के पेड़ है ना ऊपर, हाँ 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 इसे अंदर अंदर है ना, हाँ हाँ अकबर का फोर्ट अच्छा। किला है। वो शंकराचार्य है। हाँ, वो तो शंकराचार्य है उस साइड हाँ, ये बिल्कुल सही। शंकराचार्य है। ऊपर वो मंदिर है ना, हाँ हाँ उस तरफ वो टीवी एंटीक है। हाँ 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 तो लेकिन मैं इतना कहूँ कि आज की कंस्ट्रक्शन और पुरानी कंस्ट्रक्शन में बहुत फर्क है। आज की काम और पुरानी काम में बहुत फर्क काम तो बहुत बहुत फर्क है, है ना। बहुत। जैसे अभी मैं ये देख रहा हूँ, देखो हर साइड से पानी है, हर साइड से आप लोग देख सकते हो, तब भी ये डूबा नहीं है, तब भी ये टिका है अभी तक। अरे डुबाएगा क्यों? जब मतलब 2014 में बाढ़ आया ना, हाँ, ये गेट है ना, हाँ हाँ 1 फुट है खाली, दिखता खुला था। है अच्छा बस, बाकी पानी था यहाँ तक। अच्छा यानी कि टोटल इसके ये जो छत है ये जो है, हाँ, इसके नीचे सिर्फ एक फुट तक एक इसका फुट ऊपर पानी था, सिर्फ इतना एक फुट दिखता पानी, था है ना। इतना पानी आ गया, इतना अच्छा, लंबा लंबा, हाँ, तब भी ये नहीं गिरा। तब भी नहीं यही गिरा। हाँ, दो दो साल पहले इसको मरम्मत किया, ये जगह ना, ये नवा नवा लगाया ना, वो जरा वो थोड़ा उठाया, ये नवा नवा लगाया। हाँ, जैसे यहाँ पे जो हाँ, दिखा देखो रहे ये हैं ये। पत्थर है ना, हाँ ये भी हाँ नवा लगाया। अच्छा, लेकिन तब भी उन लोगों ने सीमेंट और सुर्खी का इस्तेमाल किया है और चूने का। हाँ, वो कर रहा है तो मतलब ये मजबूत नहीं है, मजबूत उतना ज़्यादा नहीं है। नहीं इतना, अच्छा, जितना ऐसा ज्यादा नहीं है। हाँ, ये देखो, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये बहुत मजबूत है। इसमें क्या डाल के है? इसमें कुछ ऐसे अंडे वगैरह तो नहीं डालते थे पुराने जमाने अच्छा, में? अंडे वंडे किसमें डालता? कोई मसाले में अंडे नहीं डालता, नमक डालता है, अच्छा, नमक डालता है। नमक डालता है हाँ जो विंटर के टाइम मतलब ठंडी होता है, हाँ हाँ बर्फ आता, बारिश आता हाँ हाँ है, हाँ हाँ वो जम जाता उस टाइम पे, वो किसी को वो कुछ बनाना है ना, हाँ वो नमक साथ डाला। ओके। लेकिन मैं इतना कहूँ कि यहाँ पे हर साइड से अभी पानी है, आप लोग देख सकते हो, हमारा किश्ती वहाँ पे खड़ा है, हम किश्ती में आए यहाँ तक, वहाँ से लेकर के हम किश्ती में आए और साथ दिया मुझे अंकल जी ने, और यहाँ पे
आप लोगों के लाइव है ये चीज कि देखो किसी एक साइड से कोई दरार नहीं उतना बड़ा और कोई गिरने का खतरा नहीं, फिर भी ये टिका है, ये पुल है, यहाँ पे गेट है। तो जब ये पुल टिका, अगर आज के टाइम पे हमारा घर आसपास थोड़ा सा डैम रहता है और हम अंदर से परेशान हो जाते हैं, है ना, तो काम अच्छा था वही, यही वाला काम, ये जो ईटे की जो पत्थर की काम है, यही काम अच्छा था ना आरसीसी के मुकाबले मकान के लिए, है ना, अच्छा अच्छा था यही, अच्छा था ये। चलो शुक्रिया अंकल जी आपका इस चीज को लेके कि आपने यहाँ तक मुझे पहुँचा है और यहाँ पे अपनी राय रखी। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रहमान, मैं भी आप लोगों के साथ मिलूंगा किसी एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन याद रहिएगा कि ये डल के अंदर जो मुगलों का गेट है, हर साइड से पानी है तब भी ये टिका है, कोई वेंट ऊपर नहीं आ रहा है, कहीं तो स्ट्रेस नहीं हो रहा खसान। ये है ताकत नीले पत्थर का। अगर आप लोगों को अभी तक भी ये पता होगा कि कंस्ट्रक्शन में काम करना है तो अगर कम से कम नीचे मकान के नीचे या बिल्डिंग के नीचे पत्थर का इस्तेमाल किया करें। अगर रेजिडेंशियल हाउस रखना है, कमर्शियल हाउस में इंजीनियर्स कंसल्ट होते हैं, तो अगर इस चीज़ के कंटेंट्स आप लोगों को देखना है आगे भी तो इस पर प्रॉपर तरीके से वीडियोस आएंगे आगे भी। उसके लिए आप लोगों को करना है सिंपल, मेरे यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब और फेसबुक को करना है फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपनी भाई को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।